कलाहांडी अच्छा लगता है ना? अच्छा, कलाहांडी में तो दिल रह गया, इसलिए तो पूरा यहाँ बसेरा हो गया है ना। भवानी पटना में आए हैं, कमाने खाने के आए हैं जी, मूर्ति बनाते हैं। पापा के स्वागत के लिए कितने लोग इंतजार कर रहे हैं। पापा तो यहाँ पे तैयार बैठे हैं, बस लेकर जाना है। यहाँ पे पैकिंग शेकिंग चल रहा है, ये किस बात के लिए? गिफ्ट के लिए। गिफ्ट के लिए भैया, देखो अपना हेलो एवरीवन, सभी बड़ों को मेरे सादर प्रणाम, छोटों को बहुत बहुत आदर के साथ आप सबको स्वागत करती हूँ अपने वीडियो में। उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो मेरा बैकग्राउंड देखकर आप थोड़ा सा अंदाज़ा लगा सकते हैं मैं कहाँ आई हूँ। यहाँ पे ढेरों प्रतिमा है बप्पा की। बप्पा का आगमन अभी होने वाला है ना, बहुत कम ही दिन रह गए हैं, तो उनके आगमन के लिए, उनके स्वागत के लिए यहाँ पे कितनी सारी प्रतिमा बनाए हुए हैं देख सकते हैं। तो मैं आज आई हूँ जहाँ पे प्रतिमा बनाते हैं। हमारा जो केसिंगा से भवानी पाटना का जो रूट है ना, हाईवे, वहाँ पे रहते हैं हमारे राजस्थानी कारीगर, मूर्ति कारीगर, जो कई सालों से यहाँ पे बसेरा करके रह रहे हैं। तो मैं यहाँ पे आई हूँ आज इन लोगों के मूर्ति, इन लोगों के प्रतिमा कैसे बनाते हैं, किस तरह से तैयार करते हैं ये लोग, वो देखने के लिए। तो यहाँ आकर तो मैं पूरा खुश हो गई, क्योंकि देख सकते हैं आप, प्रतिमा देखकर सबका मन खुशी हो जाएगा। कितने सारे बड़े छोटे सुंदर सुंदर प्रतिमा यहाँ पे बनाए हुए हैं। तो मेरा ये निवेदन है, अभी बप्पा का आगमन होने वाला है, तो सभी लोग बप्पा का स्वागत करके अपने घर में ले जाएंगे। ये स्कूल, कॉलेज, कम्युनिटी में होता है, तो बहुत सी जगहों में देखिए, अब जब भी शहर में, गांव में, कम्युनिटी में, तो लोग वहाँ के युवा जो होते हैं ना, वो प्रतिमा बनाते हैं वहाँ पे, मिट्टी वगैरह लाकर पाल से वो लोग प्रतिमा बनाते हैं। लेकिन ऐसी कई जगह है जहाँ पे प्रतिमा बनाने की सुविधा नहीं होती है, तो वो लोग खरीदते हैं। कि आप यहाँ पे आइए, मूर्तियाँ देखिए, मेरा ये वादा है कि आप बिना खरीदे हुए यहाँ से जा ही नहीं सकते। मतलब आपका मन, मैं क्या बताऊँ, ये सब प्रतिमा देखकर आपको, आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि आप कौन सा लेकर जाएंगे। इतनी अच्छी अच्छी सुंदर प्रतिमा है, इनको रोजी रोटी भी मिल जाएगी, और ये बहुत सालों से यहाँ पे रहते हैं, वो बहुत अच्छे से उनकी कीमत भी बहुत अच्छे से लगाते हैं प्रतिमा की, रिजनेबल प्राइस में देते हैं प्रतिमा, खुद बनाते हैं, उनको रोजी रोटी मिल जाएगी। और पप्पा का आगमन करके, पप्पा का स्वागत करके हम ले जाएंगे, खुशी आप बांटते हुए पप्पा का स्वागत करेंगे। कितना अच्छा अच्छा मूर्ति है, आपको मैं एक राउंड पूरा दिखा देती हूँ। तो पूरा ये जो एरिया है ना, ये उनका बसेरा है। यहाँ पे हेलो कर रहे हैं भैया, ये इलाका ही पूरा उनका बसेरा है। काफी सालों से ये हमारे भवानी पटना कलाहांडी के जो राजा जी है ना, उन्होंने उनको शरण आश्रय दिया हुआ है, तो यहाँ पे वो बहुत सालों से रहते हैं, और पूरा ये इलाका ही उनका है सारी जगह। अभी तो बड़ी बड़ी प्रतिमा बनाकर कितने सुंदर से उनका डेकोरेशन चालू है, मैं दिखाती हूँ शुरुआत से। इधर से प्रतिमा यहाँ पे पहले तैयार कर रहे हैं, देखिए इधर इधर तैयार हो रहा है प्रतिमा, यहाँ पे छोटे बड़े बहुत से प्रतिमा यहाँ पे तैयार हो रहा है। और यहाँ पे इस तरफ दिखाती हूँ, ये पूरा गली, ये देखिए, ये पूरा उस आखिर तक वहाँ पे बैठे हुए हैं सभी लोग, कलर कर रहे हैं। और यहाँ पे देखिए, पूरा आखिर तक इस लाइन में है, उस लाइन में भी है प्रतिमा, वहाँ पे पीछे की तरफ, इधर पूरा, हाँ, और इधर तो विश्वकर्मा जी भी बना रहे हैं। अभी नजदीक में विश्वकर्मा जी की भी पूजा आ रही है ना, तो देख सकते हैं यहाँ पे विश्वकर्मा जी की भी प्रतिमा बनाए हुए हैं, छोटे बड़े कई, कितने सारे प्रतिमा हैं आप देखिए। और दिखाती हूँ आगे, पूरा ये ढेरों प्रतिमा है यहाँ पे, मतलब कम ही नहीं है, ऑप्शन जैसा कुछ भी नहीं है, बहुत 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 सी प्रतिमा है। इधर तो एकदम बड़ा बड़ा साइज का, आप देखिए इस लाइन में फुल पूरा, और इधर देखिए, इधर गिनती में भी नहीं आ पाया, इतना ज़्यादा है, सभी पूरे परिवार वाले लगे हुए हैं। तो आप सब आइए मेरे भवानी पाटना, मेरे शहर वाले, मेरे कलाहांडी वासी, और वीडियो को शेयर कर दीजिए, ताकि जो लोग भी खरीदना चाहते हैं ऐसे मूर्ति वगैरह, वो यहाँ आए, खरीद के ले जाएं। बहुत सी जगहों से, दूर दूर से ऑर्डर आ रही है, तो आप वो सब भी शेयर कर दीजिए इस वीडियो को, और आप आइए लेकर। इको फ्रेंडली प्रतिमा है ये, मतलब जो भी, जिस मिट्टी का, जिस भी पदार्थ का ये इस्तेमाल करते हैं ना मूर्ति बनाने के लिए, तो वो जो है ना, वो हमारे पर्यावरण के लिए, हमारे परिवेश के लिए भी ठीक है, मतलब डिजॉल्व हो जाता है पानी में विसर्जन करने से, वो बड़ी बात है सबसे, देख सकते हैं आपको। चलिए मैं उन लोगों के साथ थोड़ा सा बातचीत करते हैं हम, और मूर्तियाँ वगैरह भी मैं बहुत अच्छे से दिखा देती हूँ। तो अब सभी लोग बने रहिए वीडियो में, और वीडियो को एंजॉय कीजिए।
वाह कितना सुंदर सुंदर प्रतिमा है, देखिए कितना बड़ा बड़ा साइज में, और दीदी लोग यहाँ पे कलर कर रहे हैं। बाप रे इतना सुंदर, बाप रे इधर देखिए, वाओ वाओ यहाँ पे सभी लोग लगे हुए हैं कलर करने में। मैंने लगी, मैं तो खाली ऐसे कर रही हूँ। अच्छा अच्छा कितना सुंदर है, देखिए कितना बड़ा बड़ा प्रतिमा, वाओ बहुत सुंदर बहुत सुंदर। आप सभी लोग आइए यहाँ पे मूर्तियाँ आप पसंद कीजिए और यहाँ से लेकर जाइए। कितनी सुंदर सुंदर प्रतिमा है, देखिए यहाँ तो सब बड़े साइज में है, आगे थोड़ा सा छोटा छोटा भी है प्रतिमा, आप जैसा चाहेंगे वैसा आपको मिल जाएगा। वाओ देख सकते हैं कितना सुंदर, लास्ट तक है, आखिरी तक है, वहाँ तक है। और यहाँ पे सिंहासन पे विराजमान हुए हैं गणपति जी, यहाँ पे सभी में मतलब आसन वासन एकदम तैयार करके दे रहे हैं, देखिए ऐसे सिंहासन में बैठे हुए हैं, और अभी जो प्रतिमा पूरा तैयार हो चुका है ना उसमें ऐसे कवर करके रखे हैं, पेपर से कवर कर दिए हैं, और जो प्रतिमा में थोड़ा सा अभी काम बाकी है, कलर वलर का काम बाकी है ना, जैसे अभी कलर करना बाकी है तो इसलिए ये सब अभी मुंह बंद नहीं किया हुआ है, जो सब पूरा तैयार है वो सब प्रतिमा में पेपर भी कवर कर चुके हैं। तो आप देख सकते हैं कितने सुंदर सुंदर प्रतिमा है, मतलब किस तरफ देखूं, इस तरफ देखूं, उस तरफ देखूं, ऐसा लग रहा है बहुत सुंदर सुंदर प्रतिमा। बाप रे वाओ बहुत सुंदर है बहुत सुंदर। दीदी लोग आप कब से ये काम कब से शुरू किए? एक महीना हो गया ये सब। अच्छा सुंदर कैसे कलर कर रहे हैं, देखिए सभी लोग लगे पड़े हैं यहाँ पे बप्पा को सजाने में। यूं ही हमें प्रतिमा तैयार होकर नहीं मिलती, कितना मेहनत लगता है आप देख सकते हैं, एक महीने से सभी लोग काम शुरू किए तब जाकर इतने अच्छे से इतना डेकोरेशन करके पूरा रेडी करके बप्पा हमको दे रहे हैं। और बाप रे कितना सुंदर हथेली, देखिए बहुत अच्छा लग रहा है, सुंदर सूंड। एक नजर फिर से दिखा देती हूँ, अभी तो ये पहला लाइन है, दूसरा वाला भी है ना, उसको कहाँ से? पूरा मुंह हो गया, पूरा बंद हो गया इसका, पूरा मुंह से पूरा बंद है। नहीं नहीं तो उधर से रास्ता किधर से है? इधर से है। तो ये तो पहला लाइन है, यहाँ पे कितने सारे प्रतिमा देख सकती हैं, और दूसरे तरफ पूरा तैयार जहाँ पे मूर्तियाँ बिल्कुल तैयार है ना वो वाला साइड में आपको अभी दिखा रही हूँ, इधर से, हाँ इधर से दिखाती हूँ मैं, देखिए यहाँ पे पूरा तैयार हो चुका है ना, जितना मूर्ति सब यहाँ पे रखे हैं, इसलिए आप देख सकते हैं सबके फेस पूरा कवर किया हुआ है। यहाँ से शुरू हो रहा है, फेस सभी आपको कवर ही मिलेंगे क्योंकि ये पूरा तैयार हो चुके हैं बप्पा आगमन के लिए, बप्पा के स्वागत के लिए कितने लोग इंतज़ार कर रहे हैं, बप्पा तो यहाँ पे तैयार बैठे हैं, बस लेकर जाना है, स्वागत करना है। देख सकते हैं आप कितनी सारी मूर्ति यहाँ पे, बड़े बड़े साइज का, और यहाँ पे थोड़े से साइज, और थोड़े से ऐसे करके आप जैसा चाहेंगे आपको वैसा मिल जाएगा, बस आना है, आकर देखना है और लेकर जाना है बप्पा को स्वागत करके। ओह बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लग रहा है। और ये वाला अभी प्लेन है जिसमें अभी कलर करेंगे, देख सकते हैं प्लेन है अभी कलर करेंगे यहाँ पे भी। ओ दीदी और इधर भी बन रहा है बहुत सारे प्रतिमा। हाँ तो उधर चले जाइए थोड़ा है, और इधर छोटा छोटा साइज का ज्यादातर के स्कूल कॉलेज वो सब में इतने साइज का लिया जाता है, इस वजह से सब चीजों को मद्देनजर रखते हुए मूर्तियां बन रही है, ताकि जो लोग भी स्कूल में कर रहे हैं, कॉलेज में कर रहे हैं, कम्युनिटी में कर रहे हैं, वो अपने अपने हिसाब से अपने मन के हिसाब से मूर्तियां यहाँ पे आके चुनकर ले पाएं। और मैं क्या बताऊँ, मैं तो बस बहुत सुंदर लग रहा है, बहुत सुंदर लग रहा है बोले जा रही हूँ। आप सब कमेंट करके बताना आप सबको कैसा लग रहा है ये सब मूर्तियाँ, इनकी कारीगरी, और यहाँ पे इनका जो भी अभी चल रहा है ना, क्या जो कलर वलर पेंटिंग वगैरह कर रहे हैं वो, इधर छोटे छोटे साइज का है, सभी छोटे छोटे साइज में है, इधर यहाँ पे लगे हुए हैं सभी लोग काम काज में। तो भैया ये कब से आप स्टार्ट कर देते हैं काम? ये होली के समय से शुरू हो जाता है। होली के
अच्छा, तो ऐसे टाइम पे थोड़ा सा मूर्ति वगैरह का ऑर्डर आता होगा ना? हाँ, आ जाता है, महीना डेढ़ महीने पहले आ जाता है। महीना डेढ़ महीना पहले से? तो कहाँ कहाँ से ऑर्डर आता है भैया ये सब जो मूर्तियों के लिए? ये सब गांव गांव से दियार गांव में ली जाते हैं। जूनागढ़, धरमगढ़। अच्छा अच्छा, जूनागढ़, धर्म, हाँ जूनागढ़, धरमगढ़, खरियार, वैसे आता है ऑर्डर, है ना? तो ये मतलब इसका कितना स्टार्टिंग प्राइस कितना रहता है भैया? वो कोई 100 है, कोई 200 है, कोई 300 है, 400 है, 500, जैसे बड़ा बड़ा है, जैसे मतलब 100 से भी शुरुआत हो जाती है। मतलब कोई छोटू सा प्रतिमा भी अपने बजट के हिसाब से ले सकते हैं तो वो ले सकते हैं ना। और सबसे ज्यादा जो कीमत होता है वो 8000, 10000, 8000, 10000। तो एक छोटू सा प्रतिमा आप दिखा दीजिए, जैसे कि 100 रुपए के अंदर वाला एक प्रतिमा दिखा दीजिए। हाँ, तो देख सकते हैं आप, स्कूल कॉलेज में, आंगनवाड़ी सेंटर में भी छोटे छोटे लोग, बच्चे पूजा करना चाहते हैं ना, तो उनको भी कोई दिक्कत नहीं होगी पैसों की, ज्यादा पैसे वाला भी नहीं, छोटा सा भी वो प्रतिमा ले सकते हैं। 100 रुपए से प्रतिमा शुरू हो रही है यहाँ पे, देख सकते हैं आप, कितना सुंदर, बहुत अच्छा लगा सबके लिए। किसी को भी प्रॉब्लम नहीं होगी, मतलब जो जितना उसका बजट होगा ना उसके हिसाब से मूर्ति ले पाएंगे। बहुत सुंदर प्रतिमा है भैया, कवर कर दीजिए अभी। और बड़ा साइज का 8-10 हज़ार तक भी जाता है ना। तो ये जो बनता है, जो जिस मिट्टी से ये जो बनता है ना, ये घुल जाता है पानी में जैसे विसर्जन करने बाद। बढ़िया मिट्टी, प्लास्टर पेरिस, अच्छा मिलाने से, हाँ वो घुल जाता है पानी, पानी में घुल जाएगा ना, तुरंत घुल जाएगा। हाँ, जैसे कि विसर्जन करने से कोई दिक्कत नहीं होगी ना? दिक्कत नहीं। अच्छा अच्छा, हाँ वो सबसे जरूरी बात है। क्या के पीओपी का चल रहा था? हाँ, पीओपी में बंद हो गया। हाँ, पीओपी का चलता नहीं अभी, ये प्लास्टर पेरिस खड़िया मिट्टी मिक्स करके डालते हैं। अच्छा, पानी में पूरा घुल जाता है ना, विसर्जन करने से घुल जाता है। अच्छा, बहुत बहुत अच्छी बात है। अब चलते हैं आगे आगे, और दिखाती हूँ मैं आपको और कितनी सारी प्रतिमा है, और अभी बना रहे हैं ना कुछ, वो सब भी दिखाती हूँ। अभी जो तैयार कर रहे हैं यहाँ पे, देखिए यहाँ पे अभी कलर करना बाकी है, कैसे कलर होता है देखिए। यहाँ पे सभी लोग लगे हुए हैं, पूरे परिवार लगे हुए हैं, और इधर भी बन रहा है अभी छोटू छोटू सा प्रतिमा। अरे बाप रे, यहाँ तो कितना छोटा छोटा प्रतिमा है, बहुत सुंदर सुंदर। यहाँ भी बन रहा है प्रतिमा, बहुत सारी, मतलब प्रतिमा की ढेर लगी है यहाँ पे, ढेर लगी है प्रतिमा की, ढेर लगी है। आप सब आइए, लेके जाइए। तो अभी यहाँ पे है हमारे पास सारे जितने भी मूर्ति कारीगर है ना, वो लोग हैं। तो चलिए इनके साथ थोड़ा सा बातचीत करते हैं। यहाँ पे रास्ता है ना मेन रोड, तो थोड़ा सा आवाज़ का दिक्कत होगा, लेकिन फिर भी हम कोशिश करते हैं बातचीत करने के लिए। यहाँ पे सारे जो हमारे राजस्थानी मूर्ति कारीगर हैं, वहाँ पे उनका परिवार ही बैठा है यहाँ पे, तो चलिए सबके साथ बात कर लेते हैं। नमस्ते सबको, नमस्ते नमस्ते। तो कितना साल हो गया आप सबको मौसा जी, कितना साल हो गया सबको यहाँ पे आए हुए? 15 साल हो गया है ना। कैसा लगता है हमारा कलाहांडी आपको? कलाहांडी अच्छा लगता है ना? अच्छा, कलाहांडी में तो दिल रह गया, इसलिए तो पूरा यहाँ बसेरा हो गया है ना। सबसे बुरा आदमी, मतलब सबसे बुजुर्ग है, बुजुर्ग है यहाँ के, सबसे बुजुर्ग है। अम्मा जो है सबसे बुजुर्ग है। अम्मा का नाम, अम्मा सगनी बहन अम्मा सबसे बड़े है, मौसा जी के बहन है। ये तो आपका जो पूर्वजों वाला काम हो गया है ना, तो अब ये जो पूजा वगैरह आता है तो कब से काम शुरुआत करते हैं? 7-8 महीना पहले से कर देते हैं। अच्छा, तो हाँ, तो ये जो ऑर्डर वगैरह कहाँ कहाँ से आते हैं भैया? अच्छा, हमारे इलाकों से भी आते हैं। हाँ, अच्छा, संबलपुर से, टिटलागढ़, बलांगीर वगैरह। हाँ, अच्छा, बहुत दूर दूर से भी आता है। तो वहाँ पे जो आप ट्रांसपोर्ट करते हैं ना, ये सब भेजते हैं, कैसे भेजते हैं भैया वो? गाड़ी में। अच्छा, गाड़ी में भेजते हैं। अच्छा, हाँ हाँ, तो अभी इसका जो स्टार्टिंग प्राइस है, मतलब वो कितने से स्टार्ट हो जाता है? स्टार्टिंग है 20 तक है। हाँ, अच्छा अच्छा, हो जाता है। तो भवानीपाटना से भी ऐसे लोग आते हैं खरीदने के लिए? अच्छा, बहुत बहुत अच्छी बात है। तो ऑर्डर दीजिए आप सभी, बहुत मेहनत से, बहुत लगन से बनाते हैं प्रतिमा सब, और पूर्वजों से काम सीखा है, तो उनकी कला को प्रदर्शन करके उनकी रोजी रोटी वो लोग कमा रहे हैं।
तो बहुत अच्छी बात है, ये सब अपनी कला को बरकरार रखे हैं, पूरा परिवार एकजुट होकर लग जाते हैं।